कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सीआरपीएफ ने भी काफ़ी तैयारी की है। इस वक्त हम सीआरपीएफ के बिहार सेक्टर में हैं, जहां आईजी से ऑफिस, जहां आईजी दफ्तर है, और यहां पर आप देखिए कि किस तरीके से जो मेन गेट है उसके बाहर टनल बनाया गया है, सैनिटाइजेशन टनल बनाया गया है। और यहाँ जैसे ही गाड़ियाँ बाहर से आती हैं उसके बाद पहले उसे सैनिटाइज़ किया जाता है, उसके बाद जो गाड़ियाँ हैं वो कैंपस में अंदर की ओर जाती हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से जो वही गाड़ियाँ आती हैं, चाहे वो डिपार्टमेंट की गाड़ियाँ हों या बाहर की गाड़ियों हों। फिलहाल यहाँ मेरी गाड़ी है, अगर हम कैंपस में आ रहे हैं तो उससे पहले गाड़ी को सैनिटाइज़ किया जा रहा है। और यहाँ पे टनल के मतलब जैसे ही गाड़ी वहाँ आती है अंदर से मशीन चालू किया जाता है और गाड़ियाँ सैनिटाइज होती जाती हैं। और इसका खास सबसे ज़्यादा यह है कि गाड़ियाँ कई इलाकों में जाती हैं और उसके बाद जब वो कैंपस में आती हैं उससे पहले इनका सैनिटाइजेशन दिया जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिर्फ वो सैनिटाइजेशन ही नहीं होता है बल्कि उसके अलावा भी आप यहाँ पर देखिए, आप जो लोग हैं बैग लिए हुए हैं, बैकपैक लिए हुए हैं, और यहाँ से इन्हें फिर से एक बार सैनिटाइज़ किया जाता है। यानी कि जब तक पूरी तरीके से पुख्ता नहीं हो जाता है उससे पहले गाड़ियाँ अंदर नहीं जाती हैं। और सीआरपीएफ के कमांडेंट साहब इनसे सीधे बात करते हैं। सर, कितने दिनों से कर रहे हैं और किस तरीके से ये काम कर रहे हैं? ये जैसे ही कोरोना संक्रमण का दौर शुरू हुआ उसके बाद यह शुरू कर दिया गया। इसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड और जल का एक घोल तैयार किया गया है, जो सामने आप व्हाइट सिंटेक्स में देख रहे हैं, और इसके माध्यम से जो भी गाड़ियां आती हैं उसमें इस तरह का उसको निष्प्रभावी किया जाता है, कोई भी वायरस संक्रमण जो है वो इसके माध्यम से ना हो। और जो ये आप सैनिटाइज टनल देख रहे हैं, इसके माध्यम से गाड़ी का बाहरी हिस्सा जो होता है उसको सैनिटाइज किया जाता है। जहाँ ये घोल नहीं पहुँच पाता है, वो सामने आप देख रहे हैं कि हमारा एक कार्मिक बैकपैक लेकर के तैयार है, वो उन हिस्सों में और इसके माध्यम से मैनुअली जो है उसको सैनिटाइज करता है। इसके अलावा जो भी लोग आते हैं, गाड़ियाँ यहीं रुकती है, और यहाँ उतरने के बाद आप सामने देख रहे हैं कि एक हैंड सैनिटाइज़र लगा हुआ है जिसमें कि बिल्कुल भी हाथ का इस्तेमाल नहीं। हम देखते हैं कि यहाँ पर इसके अलावा एक हैंड सैनिटाइज़र लगा हुआ है, और यहाँ पर आपको कहीं हाथ से टच नहीं करना है। आप इस तरह पुश करेंगे तो यहाँ से पानी गिरेगा, और यहाँ से करेंगे तो ये लिक्विड गिरेगा, जो हैंड वाश जो है। तो निश्चित तौर पे इस तरीके से है कि बिल्कुल जब तक सैनिटाइज आप नहीं होंगे कैंपस में नहीं जा सकते हैं। और सीआरपीएफ ने यह पहल की है, चूँकि कई इलाकों में सीआरपीएफ की गाड़ियां जाती हैं और वहां से आती हैं, उसके बाद ये लोग अंदर आते हैं, इस वजह से इस तरीके की तैयारियाँ यहाँ पर की गई हैं। सैनिटाइजेशन के साथ साथ आप देख रहे हैं कि जो सीआरपीएफ कर्मियों को, किन्हीं को अगर बाहर निकलना है तो उन्हें पीपीपी किट मुहैया कराई जाती है, और ये पूरी तरीके से कवर्ड है, और इसके बाद ये ही बाहर जा सकते हैं। और बाहर आने फिर जब ये वापस आएंगे तो फिर क्या होगा? वापस आने के बाद इनके साथ भी पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है, और ये जो किट इनको प्रोवाइड कराया गया है इस किट को बर्बाद कर दिया जाता है, ये दोबारा फिर इस्तेमाल में नहीं लाया जाता है। निश्चित तौर पर ये किट है, काफ़ी एहतियात बरती जा रही है, क्योंकि देश के जो अलग अलग हिस्सों में सुरक्षाकर्मी जिस तरीके से वो कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, इसको देखते हुए बिहार सेक्टर ने प्रभावी कदम उठाया है। सैनिटाइजर से लेकर पीपीई किट तक हर तरीके के इंतजाम किए गए हैं कि ताकि जो जवान बाहर जा रहे हैं और फिर जब कैंपस में आ रहे हैं तो किसी दूसरे को संक्रमित ना कर सकें। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।